बैठो। अरे तेरी ये हमने कोई देखा है? ये कौन है इसके साथ है? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हेलो सुनो, आई एम दिनेश। हेलो, इसका नाम जानकी है। ओह, 2 महीने से तुम इसके पीछे पड़े हो, मुझे पता नहीं क्या। ठीक है, जो भी है, इतने दिन से इसे देख रहे होंगे, बात भी की होगी और आपका शादी का भी इरादा होगा। लेकिन एक बात बता दूं, बात ऐसी है कि बहुत पहले ही हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, समझ गए? तो अगर तुम शक्ति कपूर जैसा इसका पीछा करोगे तो मुझे तो धर्मेंद्र की तरह बीच में आना ही पड़ेगा ना। आखिरी बार समझा रहा हूं। बोलिया ना, चल अब निकल यहां से। मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, एक बार मुझसे बात कीजिए, उतना ही बहुत हो गया। ए, अरे छोड़ना, अरे पागल अगल है, जाने दे उसे यार, होता है लाइफ में, चल अभी। भाई आपको बताया था ना, यही है वो, नाम है शंख। शंख? हाँ, अपना इलेक्ट्रॉनिक का दुकान का सेट है ना, उसी ने मिलाया है। हल्के में मत लेना इसे, इसे कोई चीज चाहिए, उसके लिए अपनी हेल्प लेने को आया है। अगर अपुन ने इसका काम कर दिया ना तो अपने को अच्छा माल मिलेगा। क्या चीज है? क्या चाहिए? चमत्कारी हीरा? ये नहीं हो सकता सर। अच्छे से सोच कर बताओ, 10 करोड़? जान का जोखिम है सर। वो तू भी मानता है क्या? मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, वो आत्मा के अंडर में है। पर्सनली बोल रहा हूँ, इस चमत्कारी हीरे को पाने के चक्कर में आप दोनों अपनी जान मत गंवा देना। और कोई दूसरा काम है तो बोलो, ये चमत्कारी सिक्के का काम मैं नहीं करने वाला। हम बड़ा काम किया है लेकिन ये नहीं करेगा। रख अपना पैसा अपने पास रख। मुझसे ये काम नहीं होगा भाई, किसी और को ढूंढ लो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। भाई ये कॉइन लाना, बाथरूम में जाके जैसे करते हैं ना उतना ही आसान है। भाई क्या तुम्हें पाइल्स की तकलीफ है क्या? बुलशिट, मैं कौन हूं पता नहीं ना, पता चल जाएगा। शार्प डरपोक है, एक भी आदमी में हिम्मत नहीं है। देयर इज वन, ट्विंकल रामनाथ। हेलो, कौन है? अन्ना भाई से पूछोगे तो पता चल जाएगा। काम क्या है? एक डील के बारे में बात करनी है। डील है, भाई को बताता हूँ। बोला ना बैठ। यूनिट करंट पर बात किया, अरे उस करंट को किसी गांव वाले को देते तो वहां बल्ब जलता। बोल। बहुत है सोचता है तू, लोड कर दिया का? इसको तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, बुलेट बर्बाद हो गया। भाई हमने कब की? नहीं नहीं, मैंने बर्बाद किया, आगे से ध्यान रखना। भाई वो जॉन ने आपको बुलाया था क्या? हाँ बुलाया है। भाई डील के लिए बुलाया था क्या? अरे डील
डील के बारे में बात करने के लिए वो इतना बड़ा हो गया है? हाँ? हमेशा फोन करते हैं। कौन है? पैसे मांगने वाले। क्या इतना केयरलेस रहता है, सीधा बात करके पैसे दे देना। ये इतना आसान लगता है क्या? पागल। ए क्या हो गया? यहाँ पे ध्यान नहीं है, रोड देखते आ रही है। क्या कर रही है? ए, 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 अबे वो देखना। बैठो। तेरा जो ये 2 महीने से लव चल रहा था ना, ये जो अभी थप्पड़ पड़ा है ना, अब उसे समझ में आ गया होगा। हाँ। ए बारे, इधर आ, इधर आ। क्या भाई, कैसा है? हाँ एकदम बढ़िया हूँ, ये मेरा दोस्त शेर सिंह है। ऐसा क्या? नमस्ते बॉस। नमस्ते। अच्छा आजकल क्या कर रहे हो? हाँ हमेशा के जैसा, छोटा काम छोटे पैसे। भाई अपने पास बड़ा काम है और बड़ा फायदा भी, करोगे क्या? अरे जा बे, तू तो अपना काम पहले से जानता है रे। ए कैसा काम है? ए इधर आ, सुन तू ये डिटेल क्यों पूछ रहा है? ये तो अपने बॉस को पूछना चाहिए ना। अबे बोलूंगा तो वो सुन लेगा क्या? अरे पर अबे ए मैं आगे जाऊंगा तो तू मेरे पीछे आएगा ही ना। किसके लिए? अबे सुन, आज के बाद मैं जो बोलूंगा ना तू वही सुनेगा। अरे भाई कौन है वो पार्टी? Who is this? Twinkle के bodyguards. पकड़ रहे। क्या ये? Twinkle भाई नहीं है क्या? तू इतना बड़ा आदमी है क्या? ये भाई का स्टाइल है। ले बात कर। मैं ट्विंकल रामनाथ बोल रहा हूँ। भाई मैं जॉन बोल रहा हूँ, वो जगन भाई के पास। उसके जूते चमकाता था ना। हाँ बोल। भाई अपनी पार्टी चाइना की है, बहुत बड़ा ऑफर है। जैसे इन्होंने बोला मैंने आपको फोन लगा दिया भाई। ये क्या है? गन। कल चाइना वाले ने जो दिखाया ना, ये उससे भी एडवांस है। समझे? वो चाइना से कितने बजे आया, तुमसे कितने बजे मिला, तुमने क्या क्या डील की, सब जानता हूँ। जॉन मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए किसी से भी हाथ मिला लोगे तुम? वो मेड इन चाइना था, कभी नहीं फटेगा, और मैं मेड इन इंडिया, जब चाहे फट सकता हूँ। कल सुबह तक वो इस देश में नहीं रहना चाहिए, और अगर वो रहा ना तो तुम नहीं रहोगे। ए यही वो जगह है ना? हाँ यार। ठीक है चल। ए हाँ भाई से हमने पूछा नहीं इस बारे में, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो यहीं रुक, मैं डील करके आता हूँ। ए हाँ तुझे क्या पता डील के बारे में? मैं कैसे करता हूँ तू देखता जा। ए रुक बे, रुक। We can't do anything against him. He has always eyes on us. Trust me. Let's operate from outside. Okay? सर टी क्या कहा? टी वगैरह नहीं चाहिए जा। क्या कहा? टी? सर डील के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन से गैंग से हो? अपने नीचे कुपम रामदास भाई के ग्रुप से। वो कुछ ही चॉकलेट क्या? जा बहुत बड़ी बात है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। हाँ रिस्क तो ज्यादा है, इसलिए तो कोई आया नहीं, लेकिन हम करेंगे। ट्रैफिक रोड पर गाड़ी चलाना सबका काम नहीं है। कहानी अच्छी लगी तेरी, असलियत जानता है क्या? बोलो ना सर, कर दूंगा मैं। चमत्कारी हीरे वाला क्वाइन। क्या कहा? चमत्कारी हीरे वाला कॉइन। चमत्कारी कॉइन कर दूंगा सर, चलेगा। ए
एक बात समझ ले, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तू ही भाई से बात कर लेना। डील कितने का है पता? कितने का? 10 करोड़। 10 करोड़? भाई साहब मैं बात करेगा? वैसे ये डील किसके ऊपर है? वो कोई चमत्कारी सिक्के की बात कर रहा था। अरे क्या हुआ? चमत्कारी सिक्का? हाँ भाई चमत्कारी सिक्का। चमत्कारी सिक्का? ज्यादा पकाओ मत, पहले बात क्या है वो बताओ। इसी तरह से 20 साल पहले एक चमत्कारी सिक्के को ढूंढने के लिए 10 लोगों ने जिम्मा उठाया था। हाँ। और वो 105वें दिन ही इस दुनिया से ही उठ गए। किसने उठाया? इल्लम मुरई के राजा ने। इल्लम? छोड़ो ना उसे, और सुनो उस सिक्के को भूल जाओ वरना हम सबको उठना पड़ेगा। अरे जाओ यार, मैं नहीं मानता इसको। ये देखो, तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग भरोसा नहीं करते थे, उनका भी यही हाल हुआ, सारे लोग साफ हो गए। उस सोनू के बाप का नाम क्या था? हाँ चिन्ना। हाँ चिन्ना, उसका भी वही हाल हुआ, एक होते दो होते तो समझ में आता, पूरे 132 लोग मरे हैं। और पता है कैसे? सारे के सारे एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से? और क्या, एक ही गाड़ी ने सबको मार दिया, लेकिन अभी तक उस गाड़ी का पता नहीं चल पाया। ऐसा है कि चमत्कारी सिक्के को छूने से हम सब मर जाएंगे? हाँ भाई। इल्लम मुराई का ट्रक हमको मार देगा ना? अब इसे जरा अच्छी तरह से समझाना। तुझे भरोसा नहीं है ना? उन 132 लोगों में से मेरे मामा भी थे। भाई आप मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? ये तो पागल हो गया है, ये सुनने वालों में से नहीं है भाई। हाँ? वो आप जो 132 बोल रहे हो ना, जो चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाने से मर गए, उसका आप सबूत दे सकते हो? तुम्हें सबूत चाहिए? किताब में लिखा है ना भाई। एक बात समझ लो, बुरे वक्त पर सब अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातें करने वाले को बुरा बताते हैं। वैसे भी अच्छा काम करने के लिए जो निकलते हैं उनको रोका जाता है। छोड़िए ना ये सब किताबी बातें हैं, चमत्कारी सिक्के की कहानी भी कुछ ऐसी होगी, वो सब छोड़िए। आप मेरे साथ उस सिक्के को लेने आ रहे हैं या नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं भी तुम्हें आखिरी बार ही देख रहा हूँ। ठीक है भाई, ये बुक में ले जा रहा हूँ। मेरा साथ दे दे, 5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़? अगर इनके साथ रहेगा तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। तू फैसला कर तुझे क्या करना है। मैं चलता हूँ भाई। इसे इतना समझाने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा।